नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू KVCL किचाडवेला क्रिएटिव लाइफ। किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कॉपियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो, बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी एक अच्छे अच्छे दिन के साथ हम लोग भी कुछ दिन पहले गए थे आनंद भवन, जो कि प्रयागराज में है। एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस था। मैं यहाँ पे कई बार वैसे घूम चुकी हूँ, छोटी थी तब भी घूमी थी, बड़ी हुई तब भी घूमी, आफ्टर मैरिज तब भी घूमा, लेकिन बच्चों के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरेशन था। वैसे तो आनंद भवन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ आपको। ये 1894 में राजा जय किशन दास जी ने खरीदा था और उसके बाद 7 अगस्त 1899 में मोतीलाल नेहरू जी ने इसे 20,000 में खरीद लिया था। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी केवल 10 साल के थे, तब से वो यहीं रहते थे। पहले वो इसी इलाहाबाद के मोहल्ले में रहा करते थे, उसके बाद वो यहाँ पे आए नेहरू जी जब छोटे से 10 साल के थे। और यहाँ पे नेहरू जी का पूरा मतलब बचपन से लेके उनकी पूरे जो भी उनका कार्यकाल रहा है, बड़े, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ उनका यहाँ पे इतिहास आपको मिलेगा यहाँ पे। और देखा जाए तो यार सच्ची में इतने रॉयल तरीके से वो लोग रहा करते थे, उनके हर चीज़ का ठाट बाट आपको यहाँ सीरियसली देखने को मिलेगा। ये जितना भी लकड़ी का जो फर्नीचर दिख रहा है, मतलब आज भी इतने अच्छे ढंग से रखे हुए हैं। हम लोग एक शीशे के इधर से देख रहे हैं तो वो कभी कभी शेडो आपको दिख रही होगी, बट बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हिस्ट्री बच्चों को देखने को मिली कि आखिर कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी कौन थी। एक बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे उनके मतलब बचपन की यादें, उन्होंने पहली बार जो पेन से लिखा था वो है, उनके सिगार है, कारपेट यहाँ पे उनका, उनको बहुत शौक था तो उनके कारपेट्स यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पे रखे गए हैं। इतिहास तो इतिहास होता है यार, इतिहास में इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं तो एक छोटी सी झलक और झलकियाँ दिखा रही हूँ जो आनंद भवन में मुझे देखने को मिली थी, वही मैं बच्चों को दिखाने के लिए लाई। नेहरू जी का पूरा परिवार की यहाँ फ़ोटोज़ हैं, उनके जो भी उनको उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे जितने भी यहाँ पे काम किए थे, जो भी यहाँ पे एज ए हिस्ट्री यहाँ पे लिखी गई हैं, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी और फिरोज गांधी जी की भी शादी हुई थी
और शादी का मतलब एक जो कुंड होता है वो आज भी यहाँ पे है, बकायदा लिखा भी हुआ है और उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। उसी के पास में एक छोटा सा प्लानिटोरियम भी है, मतलब घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। 3-4 घंटे आपके कहीं नहीं गए, आराम से आप यहाँ बच्चों को लाइए, एक्सप्लोर कराइए, घुमाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए। इसी आनंद भवन के अंदर ये स्वराज भवन है, ये यहीं पे है, दोनों बिल्कुल अगल बगल ही हैं, अंदर से ही जाना होता है, बाहर से कहीं नहीं जाना है। ये वो प्लेस है जहाँ इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ। जी हाँ, हमारी हिस्ट्री जिन्होंने लिख दी कि फर्स्ट लेडी, पीएम लेडी, हमारी इंदिरा गांधी जी, जो उन्होंने मतलब हिस्ट्री बना दी इंदिरा गांधी जी ने भी। तो ये वही है, इनके यहाँ पे बहुत सी पिक्चरें हैं, उन्होंने जितने काम किए, बड़े बड़े जो भी मतलब जितना वो एक्टिव रहा करती थी ना, और सीरियसली इनकी फ़ोटोज़ देखने लगता था कि वो बचपन से ही कितनी स्मार्ट थी। और जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी तब उन्होंने इस इमारत को 1 नवंबर 1970 को इसे एज ए स्मारक के रूप में बना दिया और लोगों के देखने के लिए खोल दिया। यानी वो दिल्ली में रहा करती थी, काम धाम वहीं से करती थी, परिवार वहीं रहता था, तो ये लोगों को देखने के लिए उन्होंने एज ए हिस्टोरिकल प्लेस की तरह इसे खोल दिया सबके लिए। यहाँ पे बहुत सी ऐसी पिक्चर हैं जो रेयर देखने को मिलेगी, मतलब कहीं भी नहीं है इस तरह की हिस्टोरिकल पिक्चर्स जो हैं। बच्चे हिस्ट्री पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जब आप उनको ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाते हैं ना, तो उनके दिमाग में जल्दी घुस जाती हैं और वो चीज़ों को जल्दी कैच भी कर लेते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ें आपके शहर के आसपास हो या कहीं आपका प्लान बने, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखाना चाहिए। एटलीस्ट उनको भी अपने कल्चर, अपने इंडिया के बारे में भी, हिस्ट्री के बारे में ऐसे उनको पता चलेगा और वो उसे इंजॉय से अपने दिमाग में रखेंगे। धीरे धीरे उनकी चीज़ें क्लियर होती हैं, पर हो जाती हैं। इन सबको घूमने घुमाने के बाद नेक्स्ट डे यानी कि बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने घर पे उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया। बच्चे क्या, हम लोगों को भी पसंद है तो हम लोग भी उस चीज़ को खाए। और वो बनाया था मैंने आटे से, क्योंकि हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है बच्चों का, अपना भी। तो मैंने जो कुकीज़ बनाई, जो केक बनाया, यानी कि बच्चों का मनपसंद डोरा केक बनाया था और कुकी बनाई थी। थोड़ा शेप वेप का दिक्कत हो गया है, बट आप लोग अच्छे से शेप में बनाना। तो मैंने जो ये डोरा केक बनाया है उसे कैसे बनाया वो बताती हूँ। आपको यहाँ ले लेना है 1 कप गेहूं का आटा, मैदा मत यूज़ करिए, मैंने कहा ना आटे का बना रहे हैं तो आटा ही लीजिएगा, और 1/2 कप पिसा हुआ चीनी, शुगर, और उसके साथ आपको मिल्क पाउडर लेना है। ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/4 कप डालना है और 1 टेबल स्पून आपको डालना है बेकिंग पाउडर। इन सबको खूब अच्छे से छलनी से इसे छान दीजिए, बिल्कुल बारीक सा निकल के आ जाए। उसके बाद इसको खूब अच्छे से मिक्स करिए, जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर नीचे करके, कि बढ़िया सा मिक्सिंग हो जाए। उसके बाद आप इसमें डालिए हनी 1 टेबल स्पून। अब दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जितने में उसका अच्छे से घोल, बैटर आपका रेडी हो जाए कुछ इस तरह से। अब इसमें आप थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर पैन गरम करिए, बटर या घी लगाइए। एक्स्ट्रा बटर या घी है तो हल्का सा उसे पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद आपको 1/4 कप लेना है, उतना लीजिए जितना एक साथ आप पूरा डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा डालिए और उसको खूब अच्छा सा गोल सा शेप दीजिए, मीडियम आँच पर उसे पकाना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको आपको ढकना है, और फिर जैसे ही आपको दिखने लगेगा वो नीचे की तरफ से छोड़ देगा, आप उसे पलट दीजिए। उधर भी थोड़ा थोड़ा देर में आप उसको फ्लिप करके उसे दोनों साइड से धीमी आंच पे उसे सेक दीजिए, एंड दैट्स इट। एक और बना लेते हैं फटाफट। इस पूरे क्वांटिटी में मेरा 4 से 5 केक बन गया था। अब इसको और थोड़ा सा डिलीशियस बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर न्यूट्रेला लगा रही हूँ, बच्चों को और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही खा गए थे, हमने कुछ नहीं लगाया। बच्चों के लिए मैंने कोको लगा दिया था यहाँ पे न्यूट्रेला। ये एक तरह का पैनकेक हमारा रेडी हो गया है, एक तरह का ये डोरा केक है। जिन्होंने डोरा, अगर डोरेमोन देखा है, उसमें डोरेमोन ने यही वाला केक खाता रहता है, एंड इट्स रेडी। इन्जॉय।
अब नेक्स्ट बनाती हूँ कुकी, वो भी बनेगा आपके आटे से ही, क्योंकि मैंने कहा था ना हेल्थ का ध्यान रखते हुए बनाना है। एक बाउल ले लीजिए, उसमें डालिए बटर और फिर डाल देना है डार्क चॉकलेट। इसको खूब अच्छे से धीमी आंच पे आपको इसको बहुत अच्छे से मेल्ट करना है। फिर इसे रखिए साइड में। फिर आप ले लीजिएगा गेहूं का आटा, चाल लीजिएगा खूब अच्छे से। फिर उसमें पाउडर शुगर डाल दीजिए, कोको पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ज़्यादा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। अब ये जो डार्क चॉकलेट हमने मेल्ट की थी अब उसको डाल दीजिए, उसी से आप खूब अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद फिर हाथों से उसे खूब अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए उसे आटे की तरह बाइंड कर लीजिए। बाइंड अगर ना हो तो थोड़ा सा दूध और डाल लीजिएगा। ये इस तरह का डो रेडी हो जाएगा। 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है इसे। 10 मिनट बाद आप इसे निकालिए, माइक्रोवेव हो तो उसमें कर लीजिए, नहीं तो आप अपने गैस पे कढ़ाई में बना लीजिए। इस तरह का एक लोहे का तवा है उस पे रख दीजिए। मैंने कहा था ना कुकी का शेप पे मत जाइएगा आप, मेरी बेटी इसका शेप बना रही थी तो बस बना दिया उसने। अब ये प्री हीट हो जाने के बाद कढ़ाई पे फिर मैंने इसको ढक दिया है, 20 से 30 मिनट के अंदर ये धीमी धीमी आँच पे पक जाएगा। देखिए हार्ड भी हो गया, ऐसे ही बनेगा ये। देखने में भी अजीब लग रहा होगा लेकिन खाने में बहुत डिलीशियस है, बहुत ही यम्मी लगेगा। इसको अगर आप अच्छे अच्छे शेप में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, न्यूट्रेला लगा दीजिए, दीजिए टिफिन में लेके जाएं, बच्चे सबको बहुत टेस्ट आएगा। आई होप कि आज की ये दोनों कुकीज़ जो केक है अच्छा लगा होगा, एक्सप्लोरेशन जो कराया वो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।